सर ये वाला सर एक बार रिपीट कर दो सर, मेरा छूट गया है। तुम्हारा छूट गया और मेरी रिकॉर्डिंग नहीं लगी। हाँ सर, कर दो सर रिपीट, रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी। अच्छा चलो देखो। कंट्रोल कर लो एक्स। हाँ तो सब फिर से स्टार्टिंग से बता रहे हैं, रिवाइज करा रहे हैं सभी को। देखना, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, किसका नेम है एम्प्लॉय या फिर प्रोडक्ट ले लो, ठीक है। प्रोडक्ट प्रोडक्ट के पास है प्राइवेट इंट पीआईडी स्ट्रिंग स्ट्रिंग पी नेम प्राइवेट प्राइवेट डबल पी कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट, ठीक है। इसका हम ले लेते हैं सेटर्स एंड गेटर्स। और कंस्ट्रक्टर से मेन मेथड, सॉरी मेन मेथड हो गया, क्या चाहिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। न्यू प्रोडक्ट पास करो ID 111 111 कॉमा प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट का नेम कुछ भी ले लो, मैं ज्यादा कुछ नहीं ले रहा हूँ। डबल AA प्रोडक्ट नेम, कॉस्ट 123.0 कॉमा, P1 प्रोडक्ट 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 8 इधर सेवन एट वन नाइन फाइव टू फोर एट सेवन जीरो कुछ वैल्यू हमने पास पास कर दिया, ठीक है। इस तरह से लिस्ट ऐड हुआ और इसका नेम से कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी नेम छोड़ दो क्योंकि हमें उस पर काम कर रहे हैं, क्या है कॉस्ट पे, प्रोडक्ट कॉस्ट। तो हमें पता करना है टोटल प्रोडक्ट कितने हैं, प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, मैक्स कॉस्ट मिन कॉस्ट एवरेज एंड कॉस्ट का सम, जितना भी सम होगा, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे टोटल कॉस्ट कितनी है, तो समराइज रिजल्ट निकालेंगे। समराइज फर्स्ट एक क्रिएट करेंगे लिस्ट, एरे लिस्ट, एरेज के अंदर चलते हैं, एरेज डॉट एज लिस्ट, एज लिस्ट में पास करो P1 कॉमा P2 P3 P4 P5 P6
P6, P7 एंड P8, ठीक है, P8। लिस्ट, प्रोडक्ट लिस्ट ले लो, ठीक है, प्रोड लिस्ट। प्रोडक्ट की लिस्ट अगर हमें मिल जाए तो हम क्या काम करेंगे, इससे स्ट्रीम में, स्ट्रीम से निकलेंगे, निकालेंगे और कलेक्ट करेंगे ऑल रिकॉर्ड्स, पास करेंगे इसको कलेक्टर्स। देखो इंडिकेशन, आप लोग बोलते हैं ना कि सर आपको कैसे मालूम होता है, यह सब चीज इन्फॉर्म बता रहा है, इन्फॉर्म कर रहा है कि आप क्या चीज किया, कलेक्टर्स टाइप पे ले रहा है। जितने भी मेथड होंगे वो इनपुट खुद बताते हैं, ठीक है, नेक्स्ट टाइम से याद रहेगा, क्लियर? यस सर, यस सर। हाँ, यहाँ बस कलेक्टर बोला, कलेक्टर टाइप दो, याद क्या करना है, ऊपर पढ़ते रहो, देखते रहो, ठीक है, जिस तरह से मैं देखता हूँ उस तरह से तुम भी देखो, हैबिट में डालो सारी चीजें। कलेक्टर्स, ठीक है, कलेक्टर्स क्लास पढ़ो, क्या है स्ट्रीम, तो स्ट्रीम का ही यूज करना है, यूटिल वाला ये सब यूटिल में तो है नहीं वैसे, ये कलेक्टर सबको याद रखना, स्ट्रीम कलेक्टर्स डॉट, मेथड का नेम समराइजिंग, किस टाइप का वैल्यू है आपका, इंट है या डबल है या लॉन्ग है, डबल, तो आपको यहाँ पास क्या पास किया जाएगा, डबल। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, टू डबल फंक्शन, टू डबल फंक्शन क्या है, एक फंक्शनल इंटरफेस है। क्या पास यस सर, करेगा, क्या पास किया जाएगा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन, मीन्स लैम्डा एक्सप्रेशन, लैम्डा एक्सप्रेशन एज आर्गुमेंट, ठीक है, लैम्डा एक्सप्रेशन पास कर दो, ये है लैम्डा एक्सप्रेशन। फंक्शन है ना, फंक्शन है तो एक ऑब्जेक्ट इनपुट लेगा, दूसरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, तो इनपुट ले रहा है एक ऑब्जेक्ट, मान लो इनपुट ले रहा ऑब्जेक्ट एस, ठीक है, आप रिटर्न क्या करेगा, डबल टाइप की वैल्यू, तो कौन रिटर्न कर रहा है, एस रिटर्न करेगा, जो इनपुट लेगा वही, ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, तो एस, एस जो है, जो डबल की जिसकी बात की जा रही है, ये इनपुट रिटर्न तो कर रहा है, बट यहाँ पास प्रॉब्लम क्यों आ रही है यार, एस, एस क्या है, एस में प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो, ठीक है, रिटर्न क्या कर रहे हो, डबल, यहाँ पास पास क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है ना, P1 क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ये एक रेफरेंस होल्ड करता है, ऑब्जेक्ट, यस, यहाँ पास क्या है, ऑब्जेक्ट, आप क्या पास कर रहे हो, ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो, लेकिन समराइजिंग डबल ले रखा है, आप बोल रहे हो कि मैं डबल रिटर्न करूंगा, बट रिटर्न क्या कर रहे हैं आप, अरे रिटर्न क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट कर, ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, क्या करना होगा बोलो, यस साक्षी, साक्षी, साक्षी का एक्सपर्ट बना दूंगा कि किसी भी कंपनी में जाएगा सीधे लोग बोलेंगे कहां से पढ़ के आए, क्योंकि बोलती अच्छा है, बोलो साक्षी, चली गई क्या? हाँ, क्या बात है, बोले कि सर आप मुझे क्यों हंसाते हो, बाकी लोग भी तो हैं, बैठे बैठे यही सोच रही होगी साक्षी, क्या साक्षी जी सर। कि जब देखो घूम फिर मेरे पास ही आ जाते हैं, ठीक है, तुमको परफेक्ट बनाना है ना, मास्टर एकदम एक्सपर्ट, इसलिए तुम्हारे पास आ जाते हैं कि फोकस करो चीजों पे, ठीक है, तभी ना तुमने ही नहीं कब बोला है कि सर आप, मैं प्लेस हो गई तो आपके पास स्टूडेंट आएंगे बहुत कॉलेज से तो तुमको प्लेस कराने के लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जी सर। हाँ चलो बताओ, आकित, हाँ यस सर। अभी देखो इन लोग को यही कॉन्सेप्ट बताया हूँ, अब थोड़ा सा चेंज दिमाग निकाल क्या रितेश, रितेश हाँ सर, थोड़ा सा चेंज हाँ सर, क्या हो गया बस पूछ रहा हूँ सर, वही माइंड ब्लॉक,
क्या नाम है शिवम, आप बताओ। वाह क्या बात है, स्टूडेंट हो तो मेरे स्टूडेंट जैसे, इतना पढ़ा तो बोलेंगे नहीं है ना। अरे कभी तो रिप्लाई किया करो। देखो समझो कॉन्सेप्ट, समझो यार इसमें सोचना क्या है। ऑब्जेक्ट दे रहा, रिटर्न कर रही रिटर्न तो कर ही रहे ना। सुनो सुनो समझो, इधर ध्यान दो, माइंड ओपन करो सभी लोग, इधर आओ। देखो ये क्या कॉन्सेप्ट क्या है, समराइजिंग डबल नाम का मेथड है ये बोलता है मैं डबल टाइप का रिटर्न करूंगा। ठीक है पक्का डबल रिटर्न करेगा ना। हाँ किधर है, किधर है, किधर है, डबल टू डबल फंक्शन है ना ये रिटर्न, ये क्या कर रहा है डबल, ये डबल टाइप। ठीक है आपने पास किया वैल्यू क्या, ऑब्जेक्ट टाइप, ऑब्जेक्ट टाइप किस टाइप का है, प्रोडक्ट टाइप, प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट टाइप दिया, यस रिटर्न करो डबल। अच्छा प्रोडक्ट में कौन है भाई रिटर्न कर रहा डबल, प्रोडक्ट में है क्या कोई डबल रिटर्न करने वाला, रिटर्न कर रहा ना, तो इसका मेथड देखो कौन सा मेथड, पी कॉस्ट का मेथड, क्या रिटर्न कर रहा है डबल, तो गेट गेट कॉस्ट, तो पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मिल गया था, क्या गेट कॉस्ट नहीं निकाल सकते उससे रिटर्न करे डबल, क्या ना 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 चपो ना, गेट कॉस्ट बोलो कितना डिफिकल्ट था सोचना। सर मालूम था, नहीं बता पाए लेकिन प्रैक्टिस है देखो, फर्स्ट टाइम है कोई भी चीज फर्स्ट टाइम, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप सजेस्ट करोगे लोगों को, आप बताओगे कि ना किधर गलती कर रहा था इधर, तो उनको तुम बताओगे कि ऐसा ऐसा करना है। ठीक है तो अब आगे हमारे पास क्या, स्टेटिस्टिक्स, स्टेटिस्टिक्स सभी का रिजल्ट निकल के आ गया। ठीक है डबल समरी स्टेटिस्टिक्स, स्टेटिस्टिक आ गई, तो आप क्या काम कर लो, आपको ऑल रिकॉर्ड चाहिए तो ऑल रिकॉर्ड, ये जो रिक्वायरमेंट है तो उधर आपको क्या करो रिटर्न करते जाओ वन बाय वन। क्या फर्स्ट सम चाहिए, गेट सम, सेकंड आप एक लाइन में निकालना है में लिख लो, ठीक है कोई इशू नहीं, सेकंड कलेक्ट डॉट गेट मैक्स सम एवरेज, कलेक्ट डॉट गेट काउंट, कलेक्ट डॉट गेट मिन मैक्स, बस मिन मैक्स बचा है, मिन एस आउट कलेक्ट डॉट गेट मैक्स। ठीक है ये सारे हमारे निकल गए और ये कर दिया। हाँ ये आया हमारा टॉप पे, फिर से मैसेज नहीं लिखा, टॉप पे क्या है सम, सेकंड एवरेज, एवरेज भी है 260, 267 आई थिंक, 267 है क्या इसमें, नहीं है इसका एवरेज निकाला है इन दोनों के बीच का। ठीक है तो 267, एट टोटल एट रिकॉर्ड हमारे पास है, टोटल एट रिकॉर्ड, 1 2 3 4, मिनिमम कॉस्ट जो है 103, 103 मैक्सिमम 873, कितना बेस्ट टेक्निक है ना यार, एक ही बार में सारे के सारे वैल्यू निकाल लिए, नहीं तो ऐसे क्या करना पड़ा इसके लिए अलग एवरेज निकालना, अकाउंट निकालना, सम निकालना, जावेट है ना बेस्ट। अब बोलो पाइथन में जाओगे जावा पढ़ोगे, जावा पढ़ोगे, पाइथन भी इसी तरह से कुछ वर्क करता है, इनके पास आप चीजें बनी बनाई है और फटाफट यूज कर लेते हैं, इसलिए लोग सोचते हैं पाइथन पढ़ेंगे, तो पाइथन देखो समझना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन जब आप आर्किटेक्ट
पे काम करेंगे ना, तो शायद उस टाइम पे प्रॉब्लम आएगी। कुछ चीजों को फंक्शनैलिटी बनाना, क्रिएट करना, ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, सिंपल शॉर्ट में लिखने के लिए। लेकिन कुछ प्रोडक्ट डिजाइन करने के लिए आपको पूरा 20 मालूम होना चाहिए, तभी आप कोई प्रोडक्ट कर सकते, है ना। डायरेक्ट बंदा आएगा इस तरह से, फंक्शन फंक्शन बने बनाए चीजों को यूज करेगा, तो शायद उसको डिजाइन करने में प्रॉब्लम आएगी। चलो ये हो गया हमारा, क्या क्या नाम है, क्या नाम है यार तुम्हारा, अकित। अरे समराइजिंग क्लियर हुआ, बोलो। यस सर, क्लियर है। हाँ, अब तुम लोग इतना प्रैक्टिस करो कल, और काफी कॉन्सेप्ट अभी बचे हुए मेथड्स काफी होंगे, ठीक है। तो एक एक करके मंडे से स्टार्ट करेंगे। इस वीक खत्म हो जाएगा आप लोग को, इस बार मंडे से, मंडे टू सैटरडे, सैटरडे के खिलाफ संडे को ऑल नहीं ऑफ रहेगा, ठीक है। तो इस वीक आपका जावेट फिनिश, जावेट 9 सारे फिनिश कर देंगे, ठीक है। अभी स्टार्ट होने वाला है जावा स्क्रिप्ट की क्लास। जावा स्क्रिप्ट थोड़े देर से स्टार्ट होगा, अभी कितना बज रहा है, 9:30 ना, 10 या 10:15 पे स्टार्ट करेंगे, मैसेज भेज रहे, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट, वेलकम। ओके सर।